हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11th का हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर लेक्चर 1 देख सकता है और अच्छे से समझ आ जाएगा, उसमें नोट्स भी हैं। तो आज हम करते हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल सर के बारे में। एरिस्टोटल सर के बारे में, ये कौन है? फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी इनको बोला जाता है। तो इसको लिख लेते हैं हम, फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है? इन्हें फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डिवाइड किया था प्लांट्स को 3 ग्रुप में। ही डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 3 ग्रुप, ठीक है? इन्होंने 3 ग्रुप्स में प्लांट को डिवाइड किया था। और वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से थे? हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स, ठीक है? इन्होंने इन तीनों में प्लांट्स को डिवाइड किया था। और इन्होंने डिवाइड किया था एनिमल्स को 2 पार्ट्स में, एक हु हैव RBCs एंड हु डू नॉट हैव RBCs, ठीक है? तो ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप्स, ठीक है? 2 ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया था एनिमल्स को। वो 2 ग्रुप्स कौन कौन से थे कि हु हैव RBCs एंड हु डू नॉट हैव RBCs। ठीक है, फिर उसके बाद में आए थियोप्रेस्टस, ठीक है? उनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ एशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी, ठीक है? एक में जो एरिस्टोटल सर थे, इनको फादर ऑफ बॉटनी नहीं, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है? ये एरिस्टोटल सर को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है, जबकि जो थियोप्रेस्टस सर है उनको फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, ठीक है? फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ एशियन प्लांट टैक्सोनॉमी। तो थियोप्रेस्टस सर, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी, ठीक है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी, ठीक है? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्लांट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोइंग हैबिट, ठीक है? तो वो 4 ग्रुप्स कौन से थे पहले लिख लीजिए। ही डिवाइडेड प्लांट्स इन
इनटू फोर ग्रुप्स। ऑन द बेसिस ऑफ they are growing ठीक है, उनके ग्रोइंग हैबिट्स के बेसिस पर उन्होंने चार ग्रुप में डिवाइड किया था। वो चार ग्रुप थे, एक था ट्रीज, दूसरे हो गए शब्स, थर्ड इज अंडर शब्स, एंड फोर्थ इज हब्स। तो इन्होंने एक चीज और इसमें ऐड करी थी, वो थी अंडर शब्स, ठीक है, जबकि एरिस्टोटल सर ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। इनका जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन इनका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है। यह आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है। अच्छा, एक बात है इसमें कि जो थियोप्रास्टस सर है या फिर जो इनके बाद में बेंथम एंड हुकर सर हैं, इन सब के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी में सीधा एरिस्टोटल सर के बारे में दिया हुआ है, फिर लीनियस सर हैं, और फिर डायरेक्ट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आर एच विटाकर सर का है। ये जो थियोप्रास्टस सर हैं, जूज बेंथम एंड हुकर सर हैं, ऑसवर्ल्ड टिपो सर हैं, ये सब बियॉन्ड एनसीईआरटी है, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप नीट की तैयारी करें तो स्किप मत करिएगा, अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप लोग नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है। आपके 11th के बाद या फिर 12th के बाद ही आपको यूज़फुल रहेगा, ठीक है। आपके BSc अगर आप लोग कर रहे होंगे तो BSc में इसके बारे में ज़रूर आएगा। अब इसके बाद तीसरा साइंटिस्ट आए, कैरोलियस लीनियस आए, ठीक है, इनके बारे में दिया हुआ है NCERT में, और जो थियोप्रास्टस हैं इनके बारे में नहीं दिया हुआ। लीनियस सर ने क्या किया, इन्होंने टू किंगडम सिस्टम बनाया क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो इन्होंने टू किंगडम सिस्टम दिया था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय लीनियस सर। ठीक है, इन्होंने दो किंगडम्स में डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को, जिसमें से एक था इनका प्लांट किंगडम, और जो दूसरा किंगडम इन्होंने दिया था वो था एनिमल किंगडम। इसको टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है, ठीक है। अब इन्होंने दो में बनाया, इन्होंने एक तो प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम, जिसको इन्होंने नाम भी दिए थे किंगडम प्लांटा एंड किंगडम एनिमिलिया। इन्होंने नाम दिया था किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। लेकिन इनका जो टू किंगडम सिस्टम था, इसमें ड्रॉबैक्स बहुत थे। तो वो ड्रॉबैक्स क्या थे लीनियस सर के टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में,
कि सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो थे उनको अलग अलग नहीं किया था, उनको मर्ज कर दिया, उनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया, ठीक है। उन्होंने इसी तरीके से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस नहीं बताया, उन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बताया था, तो ये उनके ड्रॉबैक्स थे। चलिए लिखते हैं पहले हम, है ना, उसके बाद में फिर साथ के साथ करेंगे। पहला, ही डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के बीच में और इन्होंने यूकैरियोट्स के बीच में इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया। मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर के बीच में नहीं किया इन्होंने। इन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में नहीं बताया था। तो पहला ड्रॉबैक तो इनका ये था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था इनका कि इन्होंने कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो ना ही तो एनिमल्स में प्लेस हो सकते थे और ना ही किंगडम प्लांटी में प्लेस हो सकते थे, लेकिन इन्होंने उसको डिस्टिंग्विश नहीं किया, उसके बारे में नहीं बताया उन्होंने, तो उन्होंने मर्ज कर दिया, ठीक है। ये दूसरा ड्रॉबैक था उनका। Placed in plant or in animal, ना ही तो वो placed हो सकते थे plant में और ना ही वो placed हो सकते थे एनिमिलिया में, ठीक है। लेकिन इन्होंने उनको भी डिस्टिंग्विश नहीं किया, उनको भी इसी में ही मर्ज कर दिया, ठीक है। ये उनके दो ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से इनका किंगडम फेलियर हो गया। अच्छा, एक बात और, लीनियस सर ने क्या किया, ये तो रहा ड्रॉबैक्स के बारे में। अब जो इन्होंने टू किंगडम बनाया था उसके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। तो लीनियस सर ने क्या किया था, लीनियस सर ने प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड करा था, ठीक है, उनके स्टामेन और कार्पल के बेसिस पर, ठीक है। क्लासिफाइड। अच्छा, अगर आपने मेरा लेक्चर देखे होंगे तो चैप्टर वन में मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में, है ना। तो उसमें ये लीनियस सर का जो 24 क्लासेस है वो उसमें मैंने डिस्क्राइब कर रखी हैं, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी हैं तो आप देख लेना, और अगर देख रखी हैं तो आपको सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 24 क्लासेस में उन्होंने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टैमेन एंड कार्पेल, ठीक है। स्टैमेन और कार्पेल के बेसिस पर लीनियस सर ने 24 क्लासेस में डिवाइड किया था, ठीक है। अब उसके बाद में जो लीनियस सर का क्लासिफिकेशन था ये बेस्ड था सेक्सुअल करेक्टर्स पर, तो इसलिए इसको सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन
ऑफ लीनियस बेस्ड ऑन सेक्सुअल करेक्टर्स. सो इट इज ऑल्सो नोन एज सेक्सुअल क्लासिफिकेशन. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सेक्सुअल क्लासिफिकेशन. क्यों? क्योंकि ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर बेस्ड था. ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन था, वेट अ मिनट, हाँ ये जो क्लासिफिकेशन था, इस क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है. क्या बोला जाता है इसको? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. ठीक है, इस वाले क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है. ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे जॉर्ज बेंथम एंड हुकर सर के बारे में. जॉर्ज बेंथम एंड हुकर सर का जो क्लासिफिकेशन है ये बियॉन्ड एनसीईआरटी है, लेकिन ये नीट का पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है, तो पढ़ते हैं हम. जॉर्ज बेंथम एंड हुकर, ठीक है, इनका जो क्लासिफिकेशन है ये स्पर्मेटोफाइटा पर बेस्ड है, नेचुरल क्लासिफिकेशन नहीं है. ठीक है, और ये बिगेस्ट क्लासिफिकेशन है स्पर्मेटोफाइटा का. ठीक है, ये जो थे जॉर्ज बेंथम और हुकर सर जो थे ये बॉटनिकल गार्डन से भी रिलेटेड हैं. ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन बिगेस्ट क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था. और ये नेचुरल क्लासिफिकेशन था. स्पर्मेटोफाइटा का, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा. ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा का इनका ये बिगेस्ट और नेचुरल क्लासिफिकेशन था. ठीक है, बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन. इन्होंने क्या कहा, इसमें स्पर्मेटोफाइटा को तीन डिविजन्स में इन्होंने डिवाइड किया था. ठीक है, तो ही डिवाइडेड इनटू थ्री डिविजन्स. स्पर्मेटोफाइटा इन थ्री डिविजन्स. ठीक है, तीन डिविजन्स में इन्होंने डिवाइड किया था. वो तीन डिविजन्स क्या थे, चलिए लिखते हैं उनको भी. सबसे पहले इन्होंने डिवाइड किया डाइकोटिलेडोनी में.
दूसरा जो इन्होंने डिवाइड किया था वो था जिम्नोस्पर्म, जो तीन डिविजन्स थे, एक था डाइकोटिलोडोनी, दूसरा था जिम्नोस्पर्मिया, और जो थर्ड था वो था मोनोकोटिलिडोनी। ठीक है, तो तीन में इन्होंने डिवाइड किया था, डाइकोटिलिडोनी, जिम्नोस्पर्मिया एंड मोनोकोटिलिडोनी। ठीक है, इन्होंने जो स्पर्मेटोफाइटा जो है इसमें टोटल 203 फैमिलीज हैं, इसलिए इसे बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन बोला जाता है स्पर्मेटोफाइटा का। ठीक है, जिसमें जो डाइकोटिलिडोनी था उसमें थी 165 फैमिलीज, जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिलीज थी, और जो मोनोकोटिलिडोनी था इसमें थी 34 फैमिलीज। ठीक है, अब इसके बाद में इन्होंने जो डाइकोटिलिडोनी था इसको भी तीन में डिवाइड किया, पॉलीपेटल, गैमियोपेटल और मोनो क्लेमाइटी में। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, अभी बताऊंगी, फिर आपको पहले आप ये लिख लीजिए कि जो तीन थे वो कौन कौन से थे। पहला था पॉली पेटल, दूसरा था गैमो पेटल, और जो थर्ड था वो था मोनो क्लेमाइटी। ठीक है, थर्ड जो था वो था मोनो क्लेमाइटी में। जो पॉली पेटल था वो क्या कह रहा था कि इसमें जो पेटल्स हैं वो हैं फ्री पेटल्स। ठीक है, गैमियोपेटल में क्या था, जो पेटल्स थी वो फ्यूज्ड थी। और जो लास्ट था मोनोक्लोमाइडी जो था उसमें जो पेटल्स थी वो एब्सेंट थी। ठीक है, तो मोनोक्लेमाइडी में पेटल्स एब्सेंट थी, गैमियोपेटल में पेटल्स फ्यूज्ड थी, और जो पॉलीपेटल था उसमें फ्री पेटल्स थी। ठीक है, इनके जो क्लासिफिकेशन था इसके मेरिट्स से, तो इनके क्लासिफिकेशन के मेरिट्स कह रहा है कि इट इज़ अ नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन। ठीक है, कौन सा क्लासिफिकेशन था, जो इनका क्लासिफिकेशन था वो था नेचुरल फॉर्मल। चलिए पहले हेडिंग डाल देते हैं ज़रा, मेरिट्स। नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन था ठीक है। दूसरा मेरिट क्या है, ये फ्लोरल करेक्टर्स पर बेस्ड था, जो कि ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं वेजिटेटिव करेक्टर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर्स। Which is more conservative as compared to vegetative character. तो इसके जो फ्लोरल करेक्टर्स थे वो ज़्यादा कंजर्वेटिव थे वेजिटेटिव करेक्टर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, ये सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन था। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पर
बेलचेता, ठीक है। इट इज सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन। Because it is based on actual observation. क्योंकि ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था तो इसलिए सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन था, ठीक है। ये बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन तब भी इसका जो अरेंजमेंट है प्लांट्स में वो बॉटनिकल और हर्बेरियम में दोनों में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इट इज नॉट बेस्ट क्लासिफिकेशन। Yet arrangement of plants in botanical and herbarium is based on this classification. ये बेस्ट नहीं था, लेकिन अब भी जो इसका अरेंजमेंट है बॉटनिकल और हर्बेरियम में प्लांट्स के, वो इसी पर ही बेस्ड है, ठीक है। इसी क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है, ठीक है। इसके मेरिट्स थे तो इसके डिमेरिट्स भी थे। डिमेरिट्स क्या थे, हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहला डिमेरिट क्या था कि इसमें जो फाइलोजेनी थी उसको कंसीडर नहीं किया गया, ठीक है। क्यों, कैसे नहीं किया गया? सबसे पहले इसमें जिम्नोस्पर्म, फाइलोजेनी कहती है कि जिम्नोस्पर्म डाइकॉट्स मोनोकॉट्स, ठीक है। लेकिन इसमें ना जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में प्लेस कर दिया गया था, ठीक है। तो लिखिए फाइलोजेनी is not considered. ठीक है, फाइलोजेनी क्या कहती है, कि सबसे पहले जिम्नोस्पर्म फिर उसके बाद में आए डाइकॉट्स एंड आफ्टर दैट मोनोकॉट्स। ठीक है, लेकिन असल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में प्लेस कर दिया था, ठीक है। तो इसकी वजह से इसमें ये डिमेरिट क्रिएट हो गया। तो हमने जॉर्ज बेंथम एंड हुकर सर के बारे में पढ़ लिया, अब हम इसके बाद में बात करते हैं A.W. आइकलर सर के बारे में, ठीक है। ये भी बियॉन्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, सबसे
पहला लिटिल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने प्लांट किंगडम का, ठीक है। फर्स्ट लिटिल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। प्लांट किंगडम में इन्होंने फर्स्ट लिटिल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या किया, प्लांट किंगडम को इन्होंने दो में डिवाइड किया, एक था क्रिप्टोगैमिया और जो दूसरा था वो था फिनेरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया में इन्होंने डिवाइड किया और जो दूसरा इन्होंने किया था वो था फिनेरोगैमिया। फिनेरोगैमिया में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिप्टोगैमिया की बात करते हैं। क्रिप्टोगैमिया क्या कहता है, क्रिप्टो का मतलब ही क्या होता है, पहले ये देखते हैं। क्रिप्टो का मतलब है हिडन, यानी छुपा हुआ, या फिर लेस डेवलप्ड। तो मतलब से समझ में आ गया कि क्रिप्टोगैमिया में वो प्लांट्स इंक्लूड होते हैं जिनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो क्रिप्टोगैमिया में लिख लीजिए दोस प्लांट्स इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल आर कॉल्ड क्रिप्टोगैमिया, ठीक है। विजिबल यानी के जिसमें जो कि अरेंज्ड नहीं होते फ्लावर्स में। ठीक है, उनको बोला जाता है क्रिप्टोगैमिया। फिर फिनेरोगैमिया क्या होता है, फिनेरो का मतलब क्या है, विजिबल। या फिर डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, डेवलप्ड जो होता है ना वो। तो दोस प्लांट्स इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अरेंज्ड इन फ्लावर और फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिनेरोगैमिया। ठीक है, वो प्लांट्स जो कि विजिबल होते हैं या फिर जो अरेंज्ड होते हैं फ्लावर या फिर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में, उसको क्या बोलते हैं हम, फिनेरोगैमिया। ठीक है, जो इन्होंने क्रिप्टोगैमिया जो था इन्होंने क्रिप्टोगैमिया को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो थैलोफाइटा, एक
दूसरा ब्रायोफाइटा, और जो थर्ड था वो था टेरिडोफाइटा। ठीक है, इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। उसी तरीके से इन्होंने फ्नेरोगैमिया को भी डिवाइड किया दो पार्ट्स में। जो था जिम्नोस्पर्म, और एक था एंजियोस्पर्म। ठीक है, दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो फाइलोजेनी क्या होती है इसकी, इनकी फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी का मतलब ही क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ ऑरिजन ऑफ यूनिशन। ठीक है, तो फाइलोजेनी में क्या आएगा? सबसे पहले थैलोफाइटा, फिर उसके बाद में आएगा ब्रायोफाइटा, आफ्टर दैट टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंड आफ्टर दैट एंजियोस्पर्म। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाली जो फाइलोजेनी थी, एक एक पॉइंट और, ये फाइलोजेनी थी, ये कंप्लीट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नहीं था। तो इस पॉइंट को लिख लो, इट इज़ नॉट ए कंप्लीट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये कंप्लीट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नहीं था। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम था ऑसवाल्ड टिप्पस। ठीक है, तो ऑसवाल्ड टिप्पस ने क्या दिया था? बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया प्लांट किंगडम का। इनका तो क्लासिफिकेशन इनकम्प्लीट था, जबकि जो ऑसवाल्ड टिप्पस था उनका क्लासिफिकेशन कम्प्लीट था। बिगेस्ट क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने। ये भी बियॉन्ड एनसीईआरटी है, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ही गेव बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। चलो यहाँ लिख लेते हैं आराम से, है ना। ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, ऑसवाल्ड टिप्पसर का जो क्लासिफिकेशन था, ये बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को डिवाइड किया इन्होंने थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में। ठीक है, प्लांट्स को जो इन्होंने डिवाइड किया था, किसके बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। प्लांट किंगडम को इन्होंने दो किंगडम्स में डिवाइड किया, दो किंगडम्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सही कर लीजिएगा। ठीक,
एम्ब्रियो के बेसिस पर इन्होंने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था। किसमें क्या था? एक तो थैलोफाइटा था और जो दूसरा था वो था एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब क्या था? इसमें एम्ब्रियो एब्सेंट था। ठीक है, लिख लीजिए एम्ब्रियो एब्सेंट। और जो एम्ब्रियोफाइटा जो था, एम्ब्रियोफाइटा इसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट था। ठीक है, एम्ब्रियो प्रेजेंट। फिर उसके बाद में इन्होंने एम्ब्रियोफाइटा को ऑन द बेसिस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, इसको भी दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। लिख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू के बेसिस पर इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ए ट्रैकियाटा एंड ट्रिकोफाइटा में। ठीक है, ए ट्रैकियाटा में और ट्रिकोफाइटा। तो ए ट्रैकियाटा में क्या होगा, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू थे वो एब्सेंट थे। वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। और जो ट्रैकियोफाइटा था, इसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थे। वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थे। तो ऑसवाल्ड टिप्पोसर का क्या था? ऑसवाल्ड टिप्पोसर ने बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया प्लांट किंगडम का। इन्होंने प्लांट किंगडम को दो किंगडम्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो के बेसिस पर इन्होंने डिवाइड किया था, जिसमें एक था थैलोफाइटा और जो दूसरा था वो था एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा मतलब एम्ब्रियो प्रेजेंट और थैलोफाइटा यानी कि एम्ब्रियो एब्सेंट। ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा को भी इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जो था ए ट्रैकियाटा जिसमें वास्कुलर टिश्यू जो थे वो एब्सेंट थे, और जो इसमें वो ट्रैकोफाइटर जो था उसमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थे। ठीक है, तो अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आर एच विटाकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। तो तब तक के लिए थैंक यू।